हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम लोग कवर करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी बच्चों ने पूछा है, उस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, आप लोग ट्राई करो किस तरह से होगा। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन को बच्चों ने काफ़ी बार इसको पूछा है। अभी मैं ढेर सारे अपने ग्रुप्स देख रहा था, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे काफ़ी बच्चों ने इसको पूछा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन क्या इजीली आप कर पाओगे, आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लो, या अभी मैं जस्ट लेक्चर के लास्ट में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, तो आप लोग ट्राई करो। उसके बाद आप देखना कि जो मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि आपने यही मेथड अप्लाई किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये है आपके पास y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझना। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप इसको क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ cos x प्लस y। ध्यान समझना, इन्फिनिटी का मतलब आप समझ लो ओशिन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ओशिन या महासागर में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लोगे कोई फर्क तो नहीं पड़ना, नाम नहीं बदलना उसका। अगर इस महासागर का नाम वाई था, ठीक है, तो अगर इसमें से cos x निकाल लोगे तब भी ये वाई ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास इस वाले पार्ट को मैंने एक cos x हटाने के बाद भी इसका नाम वाई ही रहेगा। यू गॉट द पॉइंट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स तो कितना हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cos x प्लस वाई। समझ आया? ठीक, अब क्या कर सकते हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, यू गॉट अ रिजल्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2y dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस साइन x प्लस dy ओवर dx। समझ आ रही बात, टेक dy ओवर dx कॉमन, तो dy ओवर dx कॉमन हो गया। ठीक, dy ओवर dx तो कितना आएगा, 2y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस साइन x। समझ आ रही बात, क्लियर है ना, इस चीज को उठा के नीचे पहुंचा दो, दैट विल बी योर रिजल्ट। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन, दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। फिर से समझो क्या किया मैंने, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं था, मेरे पास वाई इक्वल्स टू इतना दिया हुआ था। अगर मैं इस cos x को हाइड कर लूं तो जो बचा है क्या वो वाई होगा, आंसर है यस होगा। ठीक है, तो मैंने इसको y लिख दिया, इतने पार्ट को y लिख दिया, इसको हाइड करने के बाद भी y है क्योंकि ये तो टर्म इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, इसलिए मैंने y लिख दिया है। स्क्वायर रूट था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दिया मैंने, ये y स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हट गया, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ये y स्क्वायर था, ये क्या है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का डिफरेंस 2y हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस साइन x, और y का dy ओवर dx 2y, y स्क्वायर है ना, और y इज नॉट x, इसलिए इसका अगेन डिफरेंशिएशन हुआ, डीवाई बाई डी एक्स आया। ये आ गया अल्टीमेटली, हमने इसमें से ये कॉमन ले लिया डीवाई बाई डी एक्स, तो इधर ला करके माइनस डीवाई बाई डी एक्स होगा, है ना, टेक डीवाई बाई डी एक्स कॉमन फ्रॉम हेयर, डीवाई बाई डी एक्स 2y माइनस 1 बचेगा, ये हो गया माइनस साइन एक्स, एक तरफ ला करके हमने रिजल्ट ले लिया। समझ आ रही बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपने ट्राई कर लिया होगा किस तरह से सॉल्व होना है, आई होप कि आपने इसे सॉल्व किया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो भी करा है क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ उसके साथ आप मैच करना, क्या वो मैच कर रहा है, आपने जो मेथड अप्लाई किया वही मेथड मैंने अप्लाई किया है, आप इस चीज़ को चेक करो, जस्ट चेक इट आउट क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले जो हम लोग करेंगे इसमें, या देयर आर थ्री वेरिएबल्स, ठीक है, थ्री क्वेश्चंस आर देयर, इनको थ्री पार्ट्स में हम ब्रेक कर लेंगे, बेस्ट वे यही है इसको करने का, अदरवाइज आप कन्फ्यूज होते चले जाएंगे। तो मैं इसको ले सकता हूँ वाई इक्वल्स टू यू प्लस वी प्लस W, यू गॉट द पॉइंट, यू वी डब्ल्यू मैंने ले लिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो कितना आएगा मेरे पास, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, हम यहां लिख सकते हैं वेयर वेयर, ठीक है, वेयर यू इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू। समझ आ रही बात, इनको हम क्या लेट कर सकते हैं, ई टू द पावर
x to the power x and x to the power e to the power x and e to the power x and x to the power e. हम इस तरह से लिख सकते हैं, समझ आ रही बात? ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है, अदरवाइज इतनी क्वांटिटी में बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं पूछते मुझसे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो किस तरह से सॉल्व होगा. और क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है जो आपको फर्स्ट आप जब ट्राई कर रहे हो फर्स्ट चांस तो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, उसे आप इंपॉर्टेंट समझो. जो एग्जामिनेशन में आता है कि वही इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है. यू गॉट द पॉइंट? चलो करते हैं सॉल्व इसे. सबसे पहले ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं. नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है? मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, मेरे पास है u इक्वल्स टू, मुझे सबसे ये मेरी इक्वेशन है, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डी यू अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स एंड डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स. यू गॉट द पॉइंट? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मैंने कि u लिखा, मैंने u कितना मेरे पास, e टू द पावर x एंड e टू द पावर x अगेन. यू गॉट द पॉइंट? ये है मेरे पास. अब इसको मुझे सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा, डी यू अपॉन डी एक्स, इसी तरीके से डी वी अपॉन डी एक्स निकालूंगा, इसी तरह से डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स निकालूंगा, ठीक है? कैसे सॉल्व होगा, हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको केवल एक सिंगल पार्ट मिल जाए तो भी आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आपको आइडिया लगेगा. क्लियर है ना? चलिए ठीक है, देखो क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ दी साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है? ये हमने लगाया, क्या आएगा ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास u, कि इधर आपने लगा दिया log, log इक्वल्स टू log ऑफ e रेज टू द पावर x एंड e रेज टू द पावर x. यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, log की प्रॉपर्टी होती है ये आपको पता है, log m टू द पावर n इक्वल्स टू n log m, ये बात आपको पता है. तो अल्टीमेटली इस जगह पे आपके पास ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पूरा ये कहाँ पहुंचेगा, इस साइड में, ठीक है? इट कम्स हेयर, ध्यान से समझना आपको समझ आएगा, ठीक है? तो ये मेरे पास हो गया log u इक्वल्स टू x टू द पावर e टू द पावर x, राइट, log बेस e, e. देखो जब कब कोई बेस नहीं है तो e बेस होता है, तो e हमने लिख दिया, और दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो इट बिकम्स वन. ये एक भी आप याद रखो ये चीज़, क्योंकि साइड से हम अगर लिखते जाएंगे फार्मूले तो हमें क्लियर रहेगा आगे के क्वेश्चन करते समय. अगर यहाँ ए है, यहाँ ए है, लॉग यहाँ पर ई है बेस और ये ई है, इक्वल्स टू वन होता है, मतलब सीधी सी बात है आपके पास ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए तो वैल्यू बिकम्स वन. क्लियर है ना? ठीक है चलिए, तो ये मेरा वन पार्ट वन हो गया. ये अल्टीमेटली मेरे पास क्या आया, ये आ गया मेरे पास log ऑफ u इक्वल्स टू, log ऑफ u इक्वल्स टू x टू द पावर e टू द पावर x. क्लियर है? अब क्या इसे आप सॉल्व कर सकते हो? अभी भी ये सॉल्व नहीं होगा जब तक कि आप log नहीं लोगे. रीजन समझो, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है. आई थिंक सो कि शायद यही प्रॉब्लम रही होगी कि बच्चों ने इस क्वेश्चन को इतनी क्वांटिटी में पूछा मेरे से, ठीक है? कोई बात नहीं, आगे सॉल्व करते हैं इसको. अब आपने log लगाया, अगेन टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है? तो log ऑफ log u, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, देखो फिर log की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, e टू द पावर पहले आ जाएगा. क्लियर है ना कंसेप्ट? चलो मैं लिख देता हूँ फिलहाल. तो ये आ गया मेरे पास log x टू द पावर e टू द पावर x. क्लियर है? और इसी चीज को मैं लिख लूंगा यहाँ पे log 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 ऑफ u इक्वल्स टू log of u equals to, ये आ गया मेरे पास e raised to the power x log x. क्लियर है? समझ आ रही बात? यहां तक आपने कर लिया. अब आप ध्यान से समझो, इस जगह पे यहां पर मैं इसको अब डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं. सीधा सा प्रोसेस है, आप क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा इस जगह पे, यहां पे log of log x और e टू द पावर x log x, इसको सॉल्व किया जा सकता है ना. कैसे सॉल्व होगा? सिंपल वे में हम यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे. समझो कैसे होगा सॉल्व? चलिए मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, एक स्टेप हम लोग का बच जाएगा. तो इसको अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. क्लियर है ना?
क्या आएगा ध्यान से समझते हैं, log ऑफ log x, log ऑफ log u, नॉट x, इट इज u है ना, ये u है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना कितना आएगा, log x का कितना होता है 1/u, तो log का जो एंगल है वो कितना है log u, ठीक है, log u, log ऑफ दिस एंगल है ना, ये एंगल है इसका, तो कितना आएगा log का 1/x यानी कि 1/log u, क्लियर है, ओके अब log u का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/u, ठीक है, और u का डिफरेंशिएशन अगेन तो ये du/dx आएगा, ये बात समझ आई आपके, नहीं आई, देखो यहां पे log ऑफ log u था तो log u का डिफरेंशिएशन कितना, सबसे पहले log x का कितना होता है, अगर आप इसको चेन रूल लगाओ तो यहां पे क्या हुआ, अगर आपको चेन रूल में प्रॉब्लम है तो आप पुराने लेक्चर्स मेरे देखो, वहां से आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, तो log u का मतलब log u, log ऑफ log u, तो log x का कितना होता है 1/x, यहां पर आपके पास log u है तो कितना हो जाएगा 1/log u, अगेन log u इज नॉट अ एंगल x, तो इस वजह से हमने इसको फिर से अगेन डिफरेंशिएट किया, log u का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/u, u का अगेन डिफरेंशिएशन होगा कितना आएगा du/dx, क्लियर है ना, ये हो गया। अब बात करते हैं इस साइड में सिंपल प्रोडक्ट रूल, e^x को खाली छोड़ दो, ठीक है, और log x को डिफरेंशिएट कर दो तो इट बिकम्स 1/x, क्लियर है, प्लस लगा दो एंड log x खाली, क्योंकि एक को हमने डिफरेंशिएट किया था, अभी log x को डिफरेंशिएट किया था, e^x का डिफरेंशिएशन आपको पता कितना आएगा e^x आएगा, क्लियर है। चलिए अब इसको हम लोग ले जाते हैं इस साइड में, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ ताकि मिक्स ना हो नीचे, ठीक है ना, समझ आ रही बात, कितना आ जाएगा, वी नीड du/dx, ये आ गया du/dx, क्लियर है, du/dx, और ये जो है आपके पास u यहाँ पहुँच जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास log u, यहाँ तक क्लियर, ये दोनों चीज़ें इधर पहुँचेंगे, इस वाले पार्ट से मैं टेक e^x कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा, ध्यान से समझो, ये बचेगा 1/x प्लस log x, क्लियर है ना, 1/x log x, यहाँ तक समझ आया। अब एक काम और भी कर सकते हो आप, यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, u कितना है मेरे पास, u इज e x टू द पावर x, u है आपका e टू द पावर, सॉरी ये है आपके पास e रेज टू द पावर, e टू द पावर x टू द पावर e टू द पावर x, क्लियर है, ये आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ e टू द पावर x, राइट, दिस इज u, अब आपके पास क्या है log u, वैल्यू पुट करेंगे log u की, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन log u आपने निकाला है कहीं पे, log u है ना, log u की वैल्यू आई है आपके पास, log u इज x टू द पावर e टू द पावर x, x टू द पावर e टू द पावर x, दिस इज द वैल्यू ऑफ log e, समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है ना, इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ तक क्लियर हुआ कंसेप्ट, आगे ये आपके पास e रेज टू द पावर x है यहाँ पे, क्लियर है ना, e टू द पावर x है, ये वैल्यू आपके पास कितनी बची, 1/x प्लस log x, क्लियर है, ये हो गया आपके पास, कंसेप्ट समझ आ रहा है, ये एक पार्ट आपके पास आ गया, ये हो गई आपकी इक्वेशन, लेट्स से इसका नाम रख दो आप, अभी आपने इक्वेशन फर्स्ट लिया था, ये इक्वेशन मेरी सेकंड हो गई, ये हो गई इक्वेशन सेकंड, क्लियर है, समझ आ रही बात। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ये वाला पार्ट यानी वी सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इसको चाहो तो नोट कर लो, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, चलो आगे करते हैं इसको फटाफट। अब मैंने ये लिया था, बहुत जल्दी से समझना, ठीक है, अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे नाउ v इक्वल्स टू, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dv/dx भी चाहिए, हमने अभी du/dx निकाला हुआ है, dv/dx कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमने ले लिया इसको x e टू द पावर एंड e टू द पावर x, क्लियर है ना, टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स, तो log v इक्वल्स टू log x टू द पावर e टू द पावर x, क्लियर है। अब इसको आप क्या करोगे, log v इक्वल्स टू कितना होगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपके पास, ये जितना भी पार्ट है ऊपर है ना, ये चीज जो है आपके पास, दिस वन एक्स के ऊपर जितना भी है आपके पास पावर पूरा आउट करके इधर आ जाएगा, प्रॉपर्टी आपको पता है, पिछले भी हमने इस वाले में क्लियर किया था, ये उठ के आपके पास आ गया, तो ये हो गया ई टू द पावर एक्स
लॉग एक्स। क्लियर है क्या, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, यहां पे अगर मैं यहां पे फिर से मुझे लॉग लेना पड़ेगा क्या, ठीक है, लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा और फिर दिक्कत हो जाएगी, लॉग का पूरा एंगल हो जाएगा, फिर लॉग एम की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी लॉग एम एन की, इसलिए बेटर वे यही है कि आप लॉग मत लो आगे, यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास वन अपॉन वी, वन अपॉन वी, वन अपॉन वी, और कितना हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर है, डी वी अपॉन डी एक्स, इसको आपने डिफरेंशिएट किया। अब ये वैल्यू जो है आपके पास टू पार्ट्स में ब्रेक होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, वेरिएबल दोनों जगह पे है, तो इसको अगेन हम लोग इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर रहे हैं। क्या आएगा ध्यान से देखो यहाँ पे, चलो मैंने e टू द पावर एक्स को खाली छोड़ दिया, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स खाली, ठीक है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास e टू द पावर एक्स, e रेज टू द पावर एक्स का क्या होता है, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल कुछ और है, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन e टू द पावर एक्स आ जाएगा। क्लियर है, यही आना है, ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास आ गया डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी टाइम्स, ठीक है, वी टाइम्स, वी इज व्हाट, ये है आपके पास एक्स e टू द पावर एक्स। क्लियर है, वी ये है, आपने वी की वैल्यू उठा करके इस वाले को यहाँ ले गए, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। क्लियर, इसके अलावा आपके पास है e टू द पावर एक्स, ये कॉमन निकाल लिया आपने, ठीक है, तो अंदर क्या बचा वो देखो आप, यहाँ बचा आपके पास वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स, क्लियर है ना, प्लस लॉग एक्स, लॉग एक्स, ठीक है, कुछ और बचा क्या, e टू द पावर एक्स बचा, क्योंकि आपने इसको कॉमन लिया है, ये दोनों कॉमन ले लिया, तो e टू द पावर एक्स, तो आप इसको यहाँ e टू द पावर, ये ध्यान रखना है कि आपको log x के आगे एंगल नहीं लिखने हैं, जैसे आपने अगर ये रखा तो ये एंगल बन जाएगा, है ना, log x इंटू रखा तो ये हो सकता है कि टीचर चेक करते समय इसको एंगल मान लें। क्लियर हो रही बात, तो इसको कोशिश यही करो log से पहले रखो, वरना कभी कभी मैंने देखा है कि बच्चों के इसके मार्क्स कट जाता है। यहाँ तक समझ आ गया, ये इक्वेशन हो गई आपके एक तरीके से, मैं थर्ड बोल सकता हूँ इसको, दिस बिकम्स इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन आ गई, वो हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है, मैं काम करता हूँ ये थर्ड इक्वेशन भी यहाँ लिख देता हूँ, वरना बाद में हम लोग समझ नहीं पाएंगे क्या था। ये आया आपके पास, ध्यान से देखो, ये आ गया आपके पास एक्स e टू द पावर एक्स एंड e टू द पावर एक्स एंड वन अपॉन एक्स प्लस e टू द पावर एक्स log x, ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लो, मैं इसको हटा देता हूँ, फिर हम लोग w को सॉल्व कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ log लेना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ लिख लेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्या होगा ध्यान समझना, ये मेरे पास आया log ऑफ w इक्वल्स टू, देखो ये पार्ट पूरा उठ करके कहाँ पहुँचेगा, पहले, ठीक है, अब एक स्टेप हम लोग तीन बार इसको दो बार कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम इसको अब थोड़ा सा स्पीड में इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास x x टू द पावर e, ठीक है, समझ आया, और ये आ जाएगा आपके पास log e, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, हमने लॉग लगाया दोनों तरफ, यहाँ पे जब लॉग लगाओगे तो ये वाला पार्ट उठ के पहले आ जाएगा कि लॉग एक्स टू द पावर एम बिकम्स एम लॉग एक्स, क्लियर है ना, यूजिंग दैट थिंग हेयर, ये आ गया आपके पास। अच्छा इसको और सॉल्व कर लो, तो ये वन वन हो गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा, एक्स टू द पावर ई, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रही बात। चलिए अब क्या करेंगे, क्या ये सॉल्वेबल है आगे, ठीक है, यही सब रीजन है जिसकी वजह से क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ है, तो एक्चुअल में हर लॉग के ऊपर लॉग लेना पड़ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अब आगे क्या करोगे, इसको फिर से इसको लॉग लोगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, अगेन क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, लॉग ऑफ log w इक्वल्स टू
log of x और यहाँ x to the power e पहले आ गया, यहाँ तक समझ आई बात। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x, समझ आ रही बात। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आएगा ध्यान से देखो, यहाँ आएगा आपके पास 1 अपॉन log w, ठीक है, log w का यानी log w का 1 अपॉन w और w का dw अपॉन dx, यही आपको चाहिए था, यू गॉट द पॉइंट, यहाँ तक समझ आया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, तो x टू द पावर e को खाली छोड़ दो, ये log है, log x का डिफ्रेंशिएशन करो, log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन x प्लस log x खाली, x टू द पावर e का डिफरेंशियल, x टू द पावर a का कितना होता है पता है आपको, x टू द पावर a का, x टू द पावर a और log e a, ये वैल्यू फिर से क्या होगा सेम, तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा उसको लिख लेते हैं, ठीक है, ये समझ आ रही बात आपको। अब इन सबको हमने उठा के इधर रखा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, डी डब्ल्यू की बात कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से आ गया डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, ध्यान से समझना, लॉग डब्ल्यू, ठीक है, लॉग डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, दिस इज लॉग डब्ल्यू, लॉग डब्ल्यू बिकम्स एक्स टू द पावर ई एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू इज ई रेज टू द पावर एक्स टू द पावर ई, क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक समझ आया। अच्छा अब यहाँ पर क्या कुछ कॉमन है, एक्स टू द पावर ई कॉमन है, टेक एक्स टू द पावर ई कॉमन, अंदर क्या बचा आपके पास, वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स, बस इतना ही, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को उठा करके कहां रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट पे, एंड देन दैट विल बी द रिजल्ट, समझ आ रही बात, क्वेश्चन समझ में आया। देखो भाई सीधा सा कंसेप्ट है, ये वैल्यू उठा के कहां रखा आपने, पुटिंग दी वैल्यूज हियर, ठीक है, इसकी वैल्यू कहां रखा आपने यहां, और इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दिया, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है, आगे से भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं प्रॉब्लम करे, ठीक है, अभी हम लोग कुछ अभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके।